किसी शर्मनाक हरकत के लिए अक्सर कहा जाता है कि जानवर हो गया, लेकिन केरल में जो हुआ उसके बाद अब शायद ये कहावत बदलनी पड़े। जहाँ खाने की तलाश में शहर की ओर आई हथनी को किसी ने अनानास के अंदर पटाके रख कर खिला दिया। जैसे ही उसने उसे खाने की कोशिश की, उसके मुंह के भीतर धमाके होने लगे और दर्द से छटपटाती हुई वो जंगल की ओर भागी। लेकिन यहाँ भी उसने इंसानियत नहीं छोड़ी। इस दौरान वो जिस रास्ते और गांव से निकली, लेकिन किसी के घर को नहीं तोड़ा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और एक नदी में जाकर खड़ी हो गई और 3 दिन तक पानी में खड़ी रही और वहीं जान दे दी। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर भी खुद को रोने से नहीं रोक सके, जब उन्होंने देखा कि वो हथनी अकेली नहीं मरी है, उसके पेट में एक नन्ही जान पल रही थी। दरअसल किसी क्रूर इंसान ने 3 जान ले ली है, हथनी की, उसके बच्चे की और भरोसे की, जो उसने हम इंसानों पर की। वो हथनी 3 दिन तक पानी में खड़ी रही और किसी को अपने पास नहीं आने दिया। शायद वो जवाब चाह रही थी कि हमें जानवर कहने वालों, क्या तुम सच में इंसान हो।